देखते रहिए UBN0@kota-rajasthan से ब्यूरो राम मोहन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी भी इमरजेंसी मरीजों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने के लिए RTH राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया है। RTH बिल के विरोध में राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। समस्त डॉक्टर इस बिल को राइट टू किल बता रहे हैं। यह बिल क्यों किल है, इसकी विस्तृत चर्चा आज भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से ब्यूरो राम मोहन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि 18 मार्च से आज छठवें दिन हड़ताल जारी है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हैं। अब मौतों का आंकड़ा बढ़ना चालू हो गया है, जिम्मेदार कौन? विशेष रिपोर्ट देखें, एक मुलाकात डॉक्टरों के साथ। आप जागिए, सरकार आपको मूर्ख बना रही है। ये बेसिकली जनता विरोधी बिल है, जनता के फायदे का बिल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको अदर स्टेट, जैसे जहाँ पर MP की अगर हम बात करें, क्या वहाँ से डॉक्टरों का समर्थन है आपको अभी? सर, हम हमारी बात सभी जगह पहुँचा रहे हैं। अगर हमें MP का समर्थन मिलता है और सरकार ये बिल लाती है तो मजबूरी में हमारे चिकित्सक पलायन करने के लिए मजबूर होंगे, और वो आसपास के हमारा जो राजस्थान कोटा है इसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं वो आते हैं आसपास के MP के जिलों से। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आपका इधर नीमच, मंदसौर, शामगढ़, ये तो पूरा फिजिबल है। यहाँ तक कि रतलाम, नागदा तक का पेशेंट हमारे पास आता है। हमारे पास जो है आसपास का जबलपुर, जो आपका ये जो ग्वालियर तक का पेशेंट हमारे पास आता है। आप सोचिए, जब पलायन हो जाएगा तो जो 400 किलोमीटर से MP का मरीज आ रहा है उनका क्या होगा? उन मरीजों को, वो मरीज राजस्थान क्यों आता है? क्योंकि उनको अच्छी इलाज की सुविधाएँ मिलती है, कम दरों पर मिलती है। बाकी सब जगह से राजस्थान में चिकित्सा सुविधा बेहतर है और कम दरों पर है, लेकिन जब चिकित्सक नहीं रहेंगे तो उनका भी क्या होगा? इसलिए MP की जनता को भी समझना है कि आप हमारे जो है समर्थन में आवाज़ उठाइए, सरकार का विरोध करिए, गहलोत सरकार को बोलिए कि आपकी जो फेलियर है उसको चिकित्सकों पर ना मिले। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि अगर गहलोत सरकार इस बिल को अमेंडमेंट में लाती है और उसके लिए अगर किसी को नियुक्त करती है, क्या चाहेंगे आप कि सर अगर कोई IAS या कोई RS उसमें शामिल हो या कोई चिकित्सक शामिल हो उस समिति में? देखिए, पहली बात तो अगर चिकित्सकों की समिति बनती है तो उसमें वो लोग होने चाहिए जो चिकित्सा शिक्षा को, चिकित्सक जगत को समझते हो। उसमें ब्यूरोक्रेसी की और इन अनपढ़ नेताओं की कोई जगह नहीं है। इसमें जगह होनी चाहिए सिर्फ चिकित्सकों की। चिकित्सक डिसाइड करें कि अगर रूल बनता है तो क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुझे बताइए कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है क्या उनको सरकार निःशुल्क जमीन दे रही है? क्या उनको निःशुल्क बिजली दे रही है? क्या हमारे चिकित्सा उपकरण सरकार नहीं दे रही है? क्या हमारे स्टाफ को जो सरकार है वो उनको उनकी जो मंत्री सुविधा है वो दे रही है? सरकारी हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें सरकार दे रही है, और वो किसके पैसे दे रही है? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से। तो सरकार अपनी नाकामी अपने ऊपर क्यों नहीं ले रही है, वो हमारे ऊपर मरना चाहती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों डॉक्टर राइट टू बिल को राइट टू बिल बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से राइट टू बिल लाया गया है, अगर ये बिल आता है तो निस्संदेह जो आम आदमी का राइट टू हेल्थ है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक्चुअली अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में सन 1951 में अनुच्छेद 19(1) में जो हमारी भारत की जो आम जनता है उसको ऑलरेडी राइट टू हेल्थ बिल दिया है, और उसकी जिम्मेदारी सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को दी है, जो वो पूरी तरह से करने में। मैं राममोहन शर्मा, UBN 08 चैनल, कोटा राजस्थान से। मेरे साथ हैं कोटा के IMA के सचिव सेक्रेटरी डॉक्टर अखिल अग्रवाल, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ये हड़ताल आखिर क्यों हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो सरकार है बेसिकली ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार है। ये अपनी असफलता का ठीकरा चिकित्सकों के माथे बढ़ना चाहती है। आप मुझे ये बताइए कि जनता को स्वास्थ्य देना बेसिकली किसका अधिकार है? RTH बिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये अप्लीकेबल किस पर होना चाहिए? सरकार पर। ये अप्लीकेबल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज अगर आपको दूध सही नहीं आता तो किसकी जिम्मेदारी है? यदि आज मच्छर की वजह से बीमार हो रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? यदि दूषित पानी मिल रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो RTH होना चाहिए, लेकिन ये सरकार पर होना चाहिए, सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों पर बिल ला रही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए,
यदि सरकार जो है सरकार की मंशा इतनी अच्छी है तो हम कहते हैं आप सरकारी हॉस्पिटल को इतना उन्नत कीजिए, इतनी सुविधाएं दीजिए कि एक भी मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल की हालत जाकर के देखिए, ना वहाँ पर चिकित्सक है, ना बेड है, ना वहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, ना इलाज है, तो मजबूरी में चिकित्सकों को पैसा खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में आना पड़ता है। सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ना चाहती है, जबकि आरटीएच जो है बेसिकली ये जनता का विरोधी बिल है, क्योंकि यदि आरटीएच बिल आता है तो सारे जो प्राइवेट अस्पताल है बंद हो जाएंगे, पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप सोचिए जनता को इलाज कैसे मिलेगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये हड़ताल आखिर कब तक चलेगी, कोई टाइम निश्चित है या आपकी तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल है? साथियों ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जैसा आप सभी देख रहे हैं आज कम से कम 500 की तादाद में चिकित्सक यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारा स्वाभिमान चौक पर हमारी महिला चिकित्सक पिछले 3 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है, उनके साथ आज 4 और चिकित्सकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हमारी सभी संस्थाएं जैसे हम IMA है, विचार है, PNHS है, हरिद्वार है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, इंटर्न एसोसिएशन है, सभी पूरी तरह हड़ताल के समर्थन में आ चुकी हैं। डेंटल एसोसिएशन, फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, अलग अलग जनता की संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है, क्योंकि जनता भी समझ रही है सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है और अपना ठीक राम चिकित्सकों के नाम भरना चाहती है। जनता आप जागिए, सरकार आपको मूर्ख बना रही है, ये बेसिकली जनता विरोधी बिल है, जनता के फायदे का बिल नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको अदर स्टेट जैसे जहाँ पर MP की अगर हम बात करें, क्या वहाँ से डॉक्टरों का समर्थन है आपको अभी? सर हम हमारी बात सभी जगह पहुंचा रहे हैं, अगर हमें MP का समर्थन मिलता है और सरकार ये बिल लाती है तो मजबूरी में हमारे चिकित्सक पलायन करने के लिए मजबूर होंगे, और वो आसपास के हमारा जो राजस्थान कोटा है इसमें की तरफ से राम मोहन शर्मा कोटा से रिपोर्टिंग है। हमारे साथ है डॉक्टर संजय गुप्ता और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट पर बैठे हुए हैं। क्या है RTH, क्यों हो रहा है इसका विरोध, हम जानना चाहेंगे। बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे आंदोलन को अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जन जन की पुकार बन चुका है, इसको हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, RTH एक काला कानून है, एक दमनकारी कानून है, जो गहलोत सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लेकर के आई है। जो सरकार अपने सरकारी चिकित्सालयों में सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, वहाँ पर नई तकनीक को याद नहीं कर पा रही है, उसके लिए अच्छे बजट की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, अच्छी चिकित्सा जब हमारे राजस्थान के लोगों को नहीं दे पा रही है तो वो निजी क्षेत्र से बिना पैसे के निःशुल्क सेवा की उम्मीद हमसे कर रही है, जबकि पहले ही हमारे ऊपर 54 तरह के एक्ट लगे हुए हैं, 54 तरह के कानून और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद में एक चिकित्सक यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद में इस तरह का दमनकारी बिल जिसमें इमरजेंसी के अंदर निःशुल्क देखने का प्रावधान और नहीं देखने पर या मना करने पर जो है कंप्लेन करने का अधिकार मरीजों को दिया गया है, और उस कंप्लेन पर जुर्माने का प्रावधान, FIR का प्रावधान और गिरफ्तारी का प्रावधान दिया गया है। ये चिकित्सकों के बीच और जनता के बीच जो सामंजस्य कई सालों से बना हुआ है, उस तालमेल को, विश्वास को कहीं ना कहीं तोड़ने वाला है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल क्यों कहा जा रहा है डॉक्टर? सर ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा जब चिकित्सक और जनता के बीच में जब आपस में मनमुटाव होगा तो कहीं ना कहीं चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेगा, नई चिकित्सा सुविधाएं जो हैं हॉस्पिटल लाने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें उसके बदले में जो शुल्क मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और यहाँ से जो अच्छे चिकित्सक हैं, जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वो कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों में पलायन करेंगे, और इस तरह के पलायनवादी सोच से, काम नहीं करने की सोच से और सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं जनता त्रस्त होगी, कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। अगर सरकार वाकई में जनता की चिंता करती है, नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले, उनमें चिकित्सकों को नौकरी दे, वहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाए, बजट को बढ़ाए, सुविधाओं को बढ़ाए, नए मेडिकल कॉलेजेस खोले, उसका हम विरोध नहीं करते। सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन ये करने की जगह अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह का कानून निजी क्षेत्र पर थोपना चाहती है। आपके समर्थन में कोई और सरकारी सेवा संस्थान आए? हमारे समर्थन में अरिद्धा, जो कि सेवारत चिकित्सक संघ का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2 घंटे की पेंडाउन हड़ताल पर है। हमारे समर्थन में RMCT है, राजस्थान मेडिकल।